गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आइगन वेक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर से रिलेटेड। आइगन वैल्यूज भी उसी में ऐड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। आपके स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, देखिए सभी लोग सीन कीजिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ। तो क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया है आपको, मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू है 1202, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बोला है कि रिटर्न इन द फॉर्म आइगन वेक्टर, इसके आइगन वेक्टर्स दिया गया है ना। आइगन वेक्टर्स मतलब x1 जो दिया गया है और x2 का सेट दिया हुआ है। सेट किस तरह से लिखते हैं ना, x1 सेट जो है क्या बेटा 1a और x2 जो सेट है वो क्या है 1b, है ना। इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको आइगन वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज निकालना ही पड़ेगा। ऐसे केसेस में मुझे आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स है ना, आइगन वेक्टर ये। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा a माइनस लैम्डा i, इसका डिटरमिनेंट ले लूंगा और इसको जीरो के बराबर कर दूंगा। तो दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए आपको है ना, यहां से मुझे आइगन वैल्यूज मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा क्या है यहां पे, आइगन वैल्यू है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 0 2 माइनस लैम्डा, यही हो जाएगा बच्चों, सीधा है ना। कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट से लैम्डा को माइनस कर दो और कुछ नहीं करना है ना, उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, माइनस कितना हो जाएगा 0 2 into 2 0 into 2 0 और 1 माइनस लैम्डा into 2 माइनस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां से 0 आ गया, देखिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 into 2, 1 के साथ माइनस लैम्डा का किए तो माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा का 2 के साथ किए तो माइनस 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो पहले लैम्डा स्क्वायर को लिख दूं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करता हूं, तो ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा स्क्वायर, तो इसको मैं कर सकता हूं, देखिए लैम्डा और 2 लैम्डा में ब्रेक कर सकता हूं। तो देखिए लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इस तरह से इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए तो देखिएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो यहां से लैम्डा कॉमन निकालोगे तो यहां लैम्डा माइनस 1 बच जाएगा। यहां से बेटा मैं क्या कॉमन निकालो, माइनस क्या निकालो 2 निकालो है ना, क्या निकालो माइनस 2 निकालो, तो यहां क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बात समझ गए हमें आगे का बच्चों, यहां से मैंने माइनस 2 निकाला तो माइनस 2 बाहर, यहां लैम्डा बच जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से लैम्डा माइनस 1 और एक ग्रुप बच जाएगा क्या लैम्डा माइनस 2 का, मतलब लैम्डा माइनस 1 में कॉमन निकालूंगा तो लैम्डा माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक बार इसकी इक्वल, एक बार इसकी इक्वल कर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यूज मेरे पास आइगन वैल्यूज आएगी, ठीक है। आइगन वैल्यूज की दो वैल्यू आ गई 1 और 2। अब मुझे क्या करना है कि फिर से इक्वेशन में जाना है, ठीक है, किस इक्वेशन में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, और वहां पे आइगन वेक्टर को मुझे लेना है और फिर मैं क्या करूंगा दोनों को रिलेट कर दूंगा। ये मेरी आइगन वैल्यूज आ गई कि कैसे मैंने डिटरमाइन किया, ठीक है। अब बात करते हैं a माइनस लैम्डा आई चेक करेंगे, है ना, इनटू क्या कर दूंगा बच्चों, मैं क्या कर दूंगा बोलो, इनटू कर दूंगा x, है ना, इनटू x बार 1 लेके चलूंगा तो 1, ठीक है, इस तरह से करूंगा। इज इक्वल टू कितना पुट करना है मुझे 0 पुट करना है, तो बस और कुछ नहीं। यहां पे मेरी वैल्यू क्या थी, देखिए 1 माइनस लैम्डा है ना, यहां पे क्या था 2 हो जाएगा, यहां पे 0 और यहां पे 2 माइनस लैम्डा, यही होगा। फिर से इसी इक्वेशन को लेना है ना, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 और ये हो जाएगा a, फर्स्ट इक्वेशन को रखना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे 0 0,
बात समझ में। इसको बड़ी जल्दी करना है, मतलब स्पीड एक्यूरेसी और स्पीड होनी चाहिए, तो स्पीड बढ़ाना आपका काम है, ठीक है, बड़े जल्दी जल्दी करना है। यहां से अब लैम्डा इक्वल टू 1 रख दूं, है ना, लैम्डा इक्वल टू क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये सेट मिल जाएगा, है ना। तो देखिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 का 2 रहेगा 0 रहेगा, यहां पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहां पे 1, ठीक है, और यहां पे कितना है बेटा 1 और यहां पे कितना 1। अब यहां से 0 0 कर लूंगा, यहां पे 0 0 रखूंगा, ठीक है, तो देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का 1 के साथ 2 का 1 के साथ यहां पे हो जाएगा 2a, और 0 का 1 के साथ 1 का 1 के साथ यहां हो जाएगा 1, है ना। इस तरह से ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 * 1 और प्लस 2 * a, तो यहां 2 आ जाएगा, 0 * 1 प्लस 1 * a, तो यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो आप लोगों को आता है ना मल्टीप्लिकेशन, 0 0 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 0 और a इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो कुल मिलाकर a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई, कितनी आ गई a की वैल्यू 0 आ गई। नोट कीजिएगा इसके आगे देखते हैं, अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखूंगा, है ना, अब मैं क्या करूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखूंगा, तो 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 मतलब यहां पे आ जाएगा माइनस 1, है ना, 2 माइनस 2 मतलब यहां आ जाएगा 0, बाकी तो वैसे ही है, ठीक है। तो यार नोट कर लिया बेटा, तो यहां से a बराबर कितना आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा आप लोग। अब मैंने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए लिया, तो यहां पे आ गया माइनस 1, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 0 और यहां पे आ गया 0। अब यहां पे मैं चेंज कर दूंगा, यहां पे दूसरा वेक्टर लूंगा बेटा, यहां पे क्या ले लूंगा वेक्टर b ले लूंगा, है ना, कौन सा वेक्टर ले लूंगा b, 1 और b, ये 0 0 रहेगा, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड केस में मैंने क्या लिया, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर क्या ले लिया h2, और वेक्टर क्या ले लिया x2 = कितना ले लिया 1 2b, है ना, 1 एंड b ले लिया। अब ये यहां पे पुट कर दिया, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस 1, है ना, और प्लस हो जाएगा 2b, प्लस कितना हो जाएगा 2b, और ये 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, तो यहां पे आ जाएगा 0, है ना, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा कितना बच्चों इधर 0 0। तो यहां से देखिए माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना कर दूंगा 0, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहां से b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय 2, दिस इज माय वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज माय b, ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, तो इसीलिए a प्लस b कितना हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1 बाय 2, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 बाय 2, a प्लस b का आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, for lambda is equal to 1 and x1 के लिए आपको करना है, और दूसरी बार for lambda is equal to 2 और x2 के लिए करना है, इसको बस वैल्यूज रखना है इसी इक्वेशन में, बार-बार आपका आंसर आ जाएगा, बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, कैसा है देखते हैं बेटा, आपकी स्क्रिप्ट के सामने आ रहा होगा, देखिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 में बोला गया है कि मैट्रिक्स है, आइगन वेक्टर डिटरमाइन करना है, क्या है मैट्रिक्स ए है आपका, आइगन वेक्टर आपको डिटरमाइन करना है, क्या है माइनस 4 2 और कितना है 4 3, ये आपका मैट्रिक्स है, मुझे आइगन वेक्टर डिटरमाइन करना है इस मैट्रिक्स के लिए, 2 क्रॉस 2 का आपको मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वेक्टर डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे आइगन वैल्यूज डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट निकालूंगा और 0 पुट कर दूंगा, तो आइगन वैल्यूज निकल के आ जाएगी, समझ गए, चलिए तो नोट कीजिएगा आप लोग। तो कितना कर दूंगा मैं, देखिएगा ध्यान से, माइनस 4 में से लैम्डा और 3 में से लैम्डा, डायगोनल की वैल्यूज में से लैम्डा लैम्डा माइनस कर दो तो आ जाता है माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 और 4 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यहां से कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस लैम्डा
इनटू हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 इनटू 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस 4 इनटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 12 है ना, माइनस 4 इनटू 3 तो ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा इनटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस लैम्डा स्क्वायर। समझ में आएगी बात क्या करना चाह रहा हूं, माइनस कितना हो जाएगा ये 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर पहले ले लूं, उसके बाद देखिए बेटा क्या क्या है, 4 लैम्डा या 3 लैम्डा है ना, 4 लैम्डा में से 3 लैम्डा बचे कितना बचेगा 1 लैम्डा बचेगा, यहां पे आ जाएगा 1 लैम्डा सिर्फ लैम्डा प्लस में आएगा लैम्डा प्लस लैम्डा और माइनस 12 में से माइनस 8 दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों देखो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 20। तो क्या मैं इस लैम्डा को 20 के साथ मुझे क्या करना है कंपाइल करना है, तो मैं इसको क्या कर दूं 4 और 5 में रख दूं, 4 5 में कर दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे आप लोगों को आता ही होगा इक्वेशन सॉल्व करना, लैम्डा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या इससे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लैम्डा कॉमन कर लेते हैं हम जगह लैम्डा प्लस 5 और यहां से मैं क्या कर दूं माइनस 4 निकाल दूं तो क्या हो जाएगा माइनस 4 यहां हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा कोई दिक्कत इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा प्लस 5 कॉमन निकल गया और यहां बच गया लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई माइनस 5 और 4 आ गई आ जाएगी, आप लोग नोट कीजिए लैम्डा की वैल्यू आप लोगों के सामने है। तो ये आ गई मेरी लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 एंड माइनस 5 एंड 4 कोई दिक्कत नहीं यहां तक है ना। अब हमको क्या करना है फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आना है, तो लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल दिया आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे देखिएगा कैसे मैं आइगन वेक्टर फॉर्म करूंगा। तो आइगन वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ए माइनस लैम्डा ये मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, इसमें आइगन वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर है ये है ना इक्वल टू कितना 0। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए इसके लिए सबसे पहले दो आइगन वैल्यूज है तो दो सेट निकल जाएंगे, फॉर लैम्डा इक्वल टू कितने के लिए माइनस 4 के लिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चा बोल, ए माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे सीधा माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा लैम्डा, यहां पे 2 4 3 माइनस लैम्डा यही था यही मैट्रिक्स होगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका x1 x2 और ये इधर कितना हो जाएगा 0 0 यही मैट्रिक्स हो जाएगा। दो रोज है तो दो रो यहां पे भी लेना पड़ेगा यहां पे भी लेना पड़ेगा ठीक है। अब देखिएगा मुझे लैम्डा की वैल्यू पुट करना हो तो लैम्डा की वैल्यू पुट करना है कितनी करना है माइनस 5 माइनस 5 और यहां पे क्या है माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा है ना, तो प्लस 5 में से माइनस 4 गया तो यहां पे बचेगा 1 यहां हो जाएगा 2 यहां पे तो 4 है तो 4 3 माइनस लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या है माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा यहां पे 8 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों x1 और x2 हो जाएगा इसी को कितना हो जाएगा 0 0। ध्यान से आपको देखते जाइए ना बड़ा आसान है। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो पॉसिबल यहां पे भी दो रो है यहां पे भी दो रो मतलब ये क्या है पॉसिबल है ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1 * x1 + 2 * x2 तो x1 + कितना हो जाएगा यहां पे 2 x2 फर्स्ट रो का एलिमेंट या दूसरा रो का एलिमेंट कितना हो जाएगा 4 * x1 + 8 * x2 यहां पे हो जाएगा 4 x1 + 8 x2 हो जाएगा बच्चों कोई दिक्कत नहीं। इसी पर कितना हो जाएगा यहां पे 0 0 हो जाएगा। अब मुझे इसके बराबर ये पुट करना पड़ेगा और इसके बराबर ये पुट करना पड़ेगा, ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं सिमेट्रिक है बराबर है बराबर है मतलब जो प्लेस ये प्लेस का एलिमेंट बराबर इस प्लेस का एलिमेंट इस प्लेस का एलिमेंट बराबर इस प्लेस का एलिमेंट है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा x1 + 2 x2 = 0 है ना और क्या हो जाएगा बच्चे 4 x2 + 8 x2 = 0 ठीक है। यदि मैं यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करता हूं यहां यदि मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 8 हो जाएगा यहां 4 हो जाएगा और मैं माइनस करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है मुझे क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं बाय इक्वेशन 1 क्या करूंगा मैं x1 = कितना हो जाएगा -2 x2 हो जाएगा तो x1 अपॉन में मैं इसको 2 को लेके आ रहा हूं तो 2 हो जाएगा माइनस साइन वही रहने दे रहा हूं और यहां पे हो जाएगा x2 अपॉन -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है यहां पे तो यहां
वन रहेगा नीचे तो हमें सब वन होगा तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा। तो मेरे आइगन वेक्टर्स जो होते बेटा ये एक्स वन जो होगा वो आइगन वेक्टर होगी और एक्स टू भी क्या होगी आइगन वेक्टर, इसके नीचे जो वैल्यू होती है वही मेरी आइगन वेक्टर होती है। तो एक्स वन बराबर टू और एक्स टू बराबर माइनस वन तो मेरा सेट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा फॉर लैम्डा इज इक्वल टू कितने के लिए माइनस फाइव के लिए कितना आ गया मेरे पास वैल्यू टू और माइनस वन आइगन वेक्टर आ रही एक्स वन कैप ये आ गया मेरा आइगन वेक्टर का सेट। ठीक है कैसे सॉल्व करना है आप लोग समझ गए है ना। यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा टू माइनस वन होगा कैसे लाना ये याद में रखना हमेशा इस प्रोसेस को याद में रखना कि इसको इधर लेके चले जाओ और फ्रैक्शन में लेके आओ। ठीक है उस वैल्यूज के ऊपर पहली वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी और कोशिश करना कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एक्स वन बड़ी होगी तो यहाँ पे भी जो भी कोफिशियंट होगा एक्स टू के साथ में उसको इसके फ्रैक्शन में लेके आना है। बात समझ में आ गई चलिए वो तो वैसे भी आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वन के एक्स वन है यहाँ पे एक्स टू है उसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए ऊपर। ठीक है तो ये हो गया मेरे टू और माइनस वन आप लोग नोट कीजिए नोट कीजिएगा। अब मुझे और आंसर डिटरमाइन करने का नहीं है यदि मेरे पास ये आंसर नहीं होता ऑप्शंस में तो मुझे क्या करना पड़ता फिर लैम्डा चेंज करना पड़ता फिर लैम्डा किसके लिए लेता मैं फोर के लिए लेता। आप लोग करके देखिएगा लैम्डा बराबर फोर करके फिर देखिएगा कि कितना आंसर आ रहा है एक्स वन और एक्स टू का। ठीक है आइगन वेक्टर्स क्या मिलेंगे आपको लैम्डा इज इक्वल टू फोर के लिए आप लोग करके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा नोट कीजिएगा फटाफट है ना कि कैसे उसे सॉल्व करते देखते हैं आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन के सामने है आपके आप लोग नोट करते जाइए क्या है क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स है फोर टू फोर मैट्रिक्स ए है आपका क्या है फोर टू टू फोर का मैट्रिक्स है। ठीक है ये आपको मैट्रिक्स गिवन है ठीक है और उसके साथ में आपको क्या दिया है द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर इज और आइगन वेक्टर दिया हुआ है आइगन वेक्टर क्या दिया हुआ है इस तरह से है कितना आइगन वेक्टर बच्चे 101 and 101 ये आइगन वेक्टर का सेट है। आपको पूछा है आइगन वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करना है आइगन वैल्यूज का सेट पूछा है आइगन वेक्टर दिया है आइगन वैल्यूज का सेट पूछा है आइगन वैल्यूज क्या होगा तो इनको मुझे इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा नहीं तो आइगन वैल्यूज कुछ और ही मिल जाएगी। तो इसके साथ इसको रिलेट करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे कुछ नहीं करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके आना है a माइनस लैम्डा i ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा और दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ क्या हो जाएगा x वेक्टर का है ना ये हो जाएगा इसको कितना हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है यहां से पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये a की वैल्यू कितनी डायगोनल के साथ में लैम्डा माइनस करना है बस फोर माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा टू टू फोर माइनस लैम्डा ये मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं इस सेट को रख दूंगा कितना हो जाएगा 101 101 और कुछ नहीं करना है इधर भी कितना हो जाएगा 0 0 है ना मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपेयर कीजिए आंसर आ जाएगा लैम्डा का कितना हो जाएगा देखिए 4 माइनस लैम्डा पता नहीं है 1 के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4 माइनस लैम्डा इनटू हो जाएगा 101 प्लस 2 इनटू कितना हो जाएगा 101 और दूसरा हो जाएगा 2 इनटू 101 प्लस 4 माइनस लैम्डा इनटू 101 ये हो जाएगा मेरा मैट्रिक्स। ठीक है इसी पर कितना हो जाएगा 0 0 तो यहां से कितना हो जाएगा देखिए 4 माइनस लैम्डा 101 इनटू में है ना इनटू 101 प्लस हो जाएगा ये 202 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 202 प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 4 माइनस लैम्डा इनटू 101 ये हो जाएगा आपका इसके ऊपर कितना हो जाएगा 0 0 अब ये 0 के बराबर ये रख देना या तो ये 0 के बराबर ये दिखना है आपका लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं बड़ा आसान है बस पुट कीजिए 4 माइनस लैम्डा एक मैं इसके बराबर इसको पुट कर दे रहा हूं या तो इसके बराबर इसको ले लो इसके बराबर इसको ले लो आंसर वही आएगा 4 माइनस लैम्डा कितना है 101 प्लस कितना हो जाएगा 202 = 0 यहां से सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा देखिए 4 × 101 कितना हो जाएगा 404 माइनस कितना हो जाएगा लैम्डा 101 लैम्डा प्लस हो जाएगा 202 = 0 ठीक है 404 प्लस 202 कितना हो जाएगा ये देखिए पहले मैं इसके लिख ले रहा हूं माइनस 101 लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस 404 और ये कितना हो जाएगा 202 कितना हो जाएगा
6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यहां से लैम्डा बराबर हो जाएगा 606 डिवाइड बाय 101 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितने बार चला जाएगा 6 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गई लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई है 6 आई है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कैसे डिटरमाइन करना है आप लोग समझ गए, बस इसको रिलेट करना है, इसी इक्वेशन को बार बार यूज करना है आपको और आपके आंसर साथ में चले जाएंगे। तो आज के सेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइगन वेक्टर्स कैसे डिटरमाइन करना है, आइगन वैल्यूज कैसे डिटरमाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैसे फॉलो करना है। क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको चलना है, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा आपको करना है, कुछ भी नहीं कर देना है। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा बेटा इस वीडियो को, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग वॉच कर सके, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, जय हिंद।